तो गाइस स्वागत है आप लोगों का थिंक अबाउट बिजनेस में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मार्केटिंग एनवायरनमेंट। कुल मिलाकर आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि एक्चुअल में मार्केटिंग एनवायरनमेंट का कॉन्सेप्ट है क्या, मार्केटिंग में ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं, तो इसलिए हम इसको डीप में पढ़ेंगे। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, माइक्रो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या है, ओके? तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो गाइज चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आपका टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइज कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, ओके? सो अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉटलर एक बहुत अच्छे मार्केटिंग फिलोसोफर है। सो अकॉर्डिंग टू फ्लिप कॉटलर मार्केटिंग एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस विच अफेक्ट कंपनी एबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन एंड रिलेशनशिप विद द कंपनीज टारगेटेड कस्टमर्स। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है कि जो भी ऐसा एनवायरनमेंट जो कि आपकी कंपनी के आसपास हो एक्सटर्नली या फिर इंटरनली, जो कि कंपनी के मार्केटिंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करे, वही मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहलाता है, ठीक है? तो ये हो गया एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट, अब इसको डीप में पढ़ लेते हैं चलिए। सो गाइज फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट, तो ये फैक्टर्स हैं जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी पहले बताया कि जैसे कि ये फैक्टर्स होते हैं जो मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं उसे ही मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहते हैं। क्या क्या है, फर्स्ट वन इज इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट वो हो गया जो कि कंपनी के अंदर है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो कि कंपनी के बाहर है। इंटरनल एनवायरनमेंट कंपनी के अंदर है तो वो कंट्रोलेबल है, ठीक है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंपनी के बाहर है तो वो अनकंट्रोलेबल हो गया, ओके? कंपनी के अंदर रहेगा तो कंपनी कंट्रोल कर सकेगी, और अगर कंपनी के बाहर रहेगा तो कंपनी कंट्रोल नहीं कर सकेगी। इंटरनल एनवायरनमेंट क्या क्या है देखिए, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट जो भी होते हैं, जैसे कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड हो गए और सीईओज हो गए, जो भी ये डिसीजन लेते हैं वो मार्केटिंग के डिसीजंस के ऊपर भी असर डालते हैं। कैसे डालते हैं, जैसे कि मान लो जी कोई कंपनी चाहती है कि हम अपनी कंपनी को ओवर बढ़ाएं, तो उसके हिसाब से मार्केटिंग का प्लान बनाया जाएगा। अब अगर बढ़ाना नहीं चाहती, बस जितना प्रोडक्ट लाइन है उसी को रखना चाहती है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहती, तो उसके हिसाब से आखिरी डिसीजन लिया जाता है। तो ये डिसीजन जो लेंगे वो लेंगे जो कि ये टॉप मैनेजमेंट में होंगे, ओके? तो ये एक इंटरनल मार्केटिंग का फैक्टर हो गया, एक इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया, ओके? नाउ द सेकंड वन इज फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट भी मार्केटिंग के डिसीजन लेने में असर डालता है। कैसे, मान लो किसी कंपनी के पास बहुत अच्छा पैसा है, वो एक अच्छी मार्केटिंग कर सकती है, काफी बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर सकती है, ऑनलाइन ऑफलाइन न्यूज़पेपर से लेकर मतलब हर जगह हर तरफ मार्केटिंग कर सकती है, एक अच्छा प्लान बना सकती है। लेकिन अगर पैसे की कमी होगी तो मार्केटिंग उतना बेहतर नहीं हो पाएगी, क्योंकि थोड़ा खर्चा तो लगता है मार्केटिंग करने में, ठीक है? तो ये एक रीजन हो गया कि फाइनेंस और अकाउंटिंग भी मार्केटिंग पर असर डालते हैं। नाउ द रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D। देखिए कई बार आप जब टीवी पर एड्स देखते होंगे उसमें कंपनी कहती है कि हम ये एक नया प्रोडक्ट लेके आए हैं पहली बार पूरी दुनिया में और उसमें हम ये फीचर लेकर आ रहे हैं, होता है कि नहीं? मैं आपको बता दूं कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने पे ही होता है। एक नया प्रोडक्ट या फिर कोई नया फीचर या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है किसी कंपनी ने, तो वो एक एडवांटेज कर पाती है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कि वो एक नई टेक्नोलॉजी ला रही है, उससे कस्टमर्स को काफी फायदा होगा। तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, तो ये भी एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट है इंटरनल लेवल पे, ओके? तो फिर इसके बाद आ गया मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग कैसे है देखिए, कंपनी कैसी क्वालिटी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही है तो वो भी मार्केटिंग को इन्फ्लुएंस करेगा, सेल बढ़ाएगा। अगर घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो वो सेल्स घटाएगा और मार्केटिंग को अफेक्ट करेगा, ठीक है? तो ये भी एक इंटरनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट हो गया जो कि मार्केटिंग को इंटरनली इफेक्ट करेगा, ओके? नाउ ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा इम्प्लॉयज हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सकेगी। डिपेंड करता है कि अगर आपके पास आपकी कंपनी में कोई ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो जैसे कि बहुत सारी कंपनीज में है कि रोबोट्स ही मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, लेकिन अगर आपकी कंपनी में ह्यूमन ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, चीजें ह्यूमन ही बनाते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज होना बेहतर होगा। नहीं तो मशीन्स को भी ले सकते हैं आप, वो भी एक तरह का रिसोर्स ही हो गया। तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हो गए जो कि इंटरनल फैक्टर्स हैं जो कि मार्केटिंग के ऊपर असर डालते हैं, ठीक है?
अब गाइज हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो देखिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कि कंपनी के बाहर है, इसमें भी दो तरह के होते हैं, माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट थोड़े छोटे लेवल पे होता है, जो कि कंपनी के आसपास होता है, जो कि कंपनी से थोड़े टच में होते हैं, कंपनी से थोड़े जुड़े होते हैं। जुड़े तो वैसे सभी होते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा टच में होता है। माइक्रो एनवायरनमेंट में देखिए क्या होता है, जैसे कि सप्लायर्स, जो भी सप्लायर्स हैं, अगर अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, टाइम पर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर प्रोडक्ट बन पाएगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बन पाएगा, और फिर ज्यादा बेहतर तरीके से मार्केटिंग हो पाएगी, सेल्स भी हो पाएगी। तो ये भी असर डालता है मार्केटिंग पे। तो ये हो गया एक माइक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। नाउ मार्केट इंटरमीडिएटरीज, जैसे बहुत सारी मार्केट बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाती है, जैसे कि प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट जाएगा होलसेलर के पास, होलसेलर से रिटेलर के पास, रिटेलर से कस्टमर के पास, तो ये चैनल बनता है। तो अगर अच्छा चैनल रखा है, अच्छे रिलेशन डेवलप कर रखे हैं, तो अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बन पाएगा, ज्यादा मार्केटिंग हो पाएगी। आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे तो आप होलसेलर को दोगे, होलसेलर उसको ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश करेगा, रिटेलर को कहेगा कि ये प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा है। तो ये एक मार्केटिंग का ही कॉन्सेप्ट है। तो अगर अच्छा रिलेशन है तो अच्छे से मार्केटिंग हो पाएगी, खराब है तो नहीं हो पाएगी। तो ये भी इफेक्ट डालता है मार्केटिंग के डिसीजन में। तो एक माइक्रो एनवायरनमेंट हो गया, ओके। नाउ कस्टमर, कस्टमर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है। मान लीजिए कस्टमर की चॉइस हमेशा बदलती रहती है, आज के टाइम में तेजी से चीजें चेंज होती हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही हैं, तो कस्टमर की पसंद नापसंद के हिसाब से भी आपको प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। तो ये भी एडवर्टीजमेंट के ऊपर असर डालता है। किसी को लाल पसंद है तो किसी को नीला पसंद है, किसी को 20,000 का फोन पसंद है तो किसी को 30,000 का फोन पसंद है। तो ये भी मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट के ऊपर असर डालता है। तो ये भी एक एनवायरनमेंट हो गया माइक्रो लेवल पे, ओके। नाउ कॉम्पिटिटर्स, कॉम्पिटिटर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी कंपनी को सबसे पहले कॉम्पिटिटर्स ही एनालाइज करने चाहिए, कस्टमर और कॉम्पिटिटर्स दोनों ही एनालाइज करने चाहिए। क्यों? देखिए आपका कॉम्पिटिटर्स मान लो 8,000 रुपए का कोई प्रोडक्ट बेच रहा है और उसी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं 10,000 में, तो उसका ही ज्यादा बिकेगा, है ना। अगर वो ऑनलाइन भी मार्केटिंग कर रहा है, ऑफलाइन भी कर रहा है, आप सिर्फ ऑफलाइन कर रहे हैं, तो उसके पास एडवांटेज है कि वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है। आज के टाइम में पूरी दुनिया फोन मतलब स्मार्टफोन यूज कर रही है ज्यादा से ज्यादा। इंडिया में भी इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ज्यादा से ज्यादा लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं। तो कोशिश करिए, अगर आप कोई कंपनी होल्ड करते हैं, नहीं भी करते हैं, अगर आगे चल के कोई करेगा, कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेगा, तो कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मार्केटिंग में आइएगा, क्योंकि आगे जाके टीवी और ऑफलाइन जो मार्केटिंग है वो कम से कम होती जाएंगी, ऑनलाइन ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस मैक्रो एनवायरनमेंट की। तो मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है कि थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट में बात हो जाती है, जैसे कि पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिकल हो गया, सोशल हो गया, कल्चरल हो गया, टेक्नोलॉजिकल हो गया, डेमोग्राफिकल हो गया, या नेचुरल एनवायरनमेंट हो गया। तो इसमें पॉलिटिकल कैसे असर डालता है, पॉलिटिकल ऐसे असर डालता है कौन से देश में कैसी गवर्नमेंट है, ठीक है, कैसे डिसीजन ले रही है, उसके हिसाब से भी आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, ठीक है। देश में जो लीडरशिप है वो किस तरह देश को चला रही है, उसके हिसाब से भी कई कंपनी अपने मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट बनाती है। अगर आज के टाइम के हिसाब से देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया का इनिशिएटिव ले रखा है या फिर मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव ले रखा है, तो कंपनीज की ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट में आप देखते होंगे कि कंपनीज एडवर्टीजमेंट में देती है कि मेक इन इंडिया या डिजिटल इंडिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी असर डालती हैं। आफ्टर दैट इकोनॉमिक फैक्टर हो गया। इकोनॉमिक फैक्टर कैसे हो गया, देखिए आज के टाइम में अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से काफी इकोनॉमिक डाउन हो गया है, जिसके कारण बहुत सारी एयरलाइंस इंडस्ट्रीज हैं जिनकी एडवर्टीजमेंट आपको टीवी पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होंगी, क्योंकि मार्केट पूरा ठप हो गया है, आना जाना बिल्कुल बंद हो गया है, तो उसके कारण उनकी एडवर्टीजमेंट भी नहीं आती। अब जैसे ही मार्केट पूरा खुलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आना जाना शुरू करेंगे, देश विदेश आना जाना शुरू होगा, तो फिर एयरलाइंस इंडस्ट्रीज वापस से ग्रो करेगी, तो आप फिर से उनके एडवर्टीजमेंट फिर से टीवी या फोन पर देख पाओगे। तो ये सारी चीजें भी हैं जो मार्केटिंग के डिसीजन में असर डालती हैं, इससे भी मार्केटिंग काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। तो ये भी एक एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया एट मैक्रो लेवल जो मार्केटिंग को अफेक्ट करता है, ओके।
सो गाइस इसके बाद आ गया सोशल कल्चर। सोशल कल्चर कैसे हो गया, जैसे कि सोसाइटी में आप रहते हो, मान लीजिए कि कोई हरियाणा में रहता है, अलग बोली बोली जाती है, अलग पहनावा होता है, तो कोई बिहार में रहता है, कोई झारखंड में रहता है, तो कोई बंगाल में रहता है, ओके। और पूरे देश में अलग अलग भाषा भी बोली जाती है, साथ साथ अलग पहनावा भी होता है, तो उसके हिसाब से भी मार्केटिंग करनी पड़ती है। जो एडवर्टीजमेंट नॉर्थ इंडिया में चलाई जा सकती है, वही एडवर्टीजमेंट साउथ इंडिया में नहीं चल सकती। तो इसके हिसाब से ये चीज भी असर डालती है कि आप कौन से स्टेट में या फिर कौन से देश में एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है और वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, उसके हिसाब से भी मार्केटिंग पे असर पड़ता है, ओके। तो अब आता है टेक्नोलॉजिकल। देखिए धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पहले सिर्फ टीवी हुआ करता था और कंप्यूटर हुआ करता था, अब मोबाइल हुआ है, मोबाइल से और भी ज्यादा नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है और आगे जाके और भी अच्छी टेक्नोलॉजी आ सकती है, ठीक है। तो ये सारे एडवांसमेंट हो रही हैं। पहले ऑफलाइन मार्केटिंग होती थी, टीवी पे मार्केटिंग होती थी, अब डिजिटल मार्केटिंग हो रही है, वेबसाइट्स पे हो रही है, यूट्यूब पे हो रही है। तो यही है टेक्नोलॉजिकल चेंज, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती जा रही है, नई नई चीजें आती जा रही हैं, तो उसके हिसाब से भी हर कंपनी को अपने आप को इवॉल्व करते रहना चाहिए मार्केट में अच्छे से अच्छा बना रहने के लिए। तो ये सारी चीजें भी हैं जो मार्केटिंग के ऊपर असर डालती हैं, ओके। तो ये भी एक मार्केटिंग एनवायरमेंट हो गया। तो इसके बाद आता है गाइस डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि अलग अलग देश में हमारे लोग रहते हैं, अलग अलग एज में रहते हैं, कोई 10 साल का है तो कोई 20 साल का, 50 साल का, 60 साल का, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, कोई 10,000 कमा रहा है तो कोई 20,000, कोई 40,000, तो कोई 50,000 कमा रहा है, उसके हिसाब से भी मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी है, जैसे कि BMW कार्स हो गई या फिर ऑडी कार्स हो गई, आप इनकी एडवर्टीजमेंट टीवी पर नहीं देखते होंगे, क्योंकि इनको जो खरीदने वाले हैं वो अपना टाइम टीवी पर ज्यादा वेस्ट नहीं करते। उनमें से ज्यादातर सीईओज या फिर बड़े बड़े लोग होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, तो उस हिसाब से उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया जिसके हिसाब से मार्केटिंग अफेक्ट होती है। तो ये भी एक इंटरनल फैक्टर हो गया मैक्रो लेवल पर, ओके। तो अब आ गया गाइस नेचुरल एनवायरमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखो हम सब नेचर में ही रहते हैं, धरती पर रहते हैं, ओके। अब जो कंपनी का प्लांट है वो भी धरती पर है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं वो रॉ मटेरियल लेते हैं, वो भी धरती से ही लेते हैं, है ना। धरती से मटेरियल लिया, अलग अलग चीजें जैसे कि पानी हो गया, और जैसे कि वेस्टेज निकलता है, वो वेस्टेज जाता तो धरती पे ही है। तो मान लो कि गवर्नमेंट कोई नया रेगुलेशन ले आई, गवर्नमेंट कहने लगे कि इस पानी में कोई केमिकल नहीं जाना चाहिए भाई साहब, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कंपनी के ऊपर असर पड़ेगा, तो उसको अलग तरीके से अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मान लो कि गवर्नमेंट कहने लगी कि आप यहाँ से रॉ मटेरियल नहीं ले सकते, है ना, तो इस तरह से नेचुरल एनवायरनमेंट भी असर डालता है। जहां पर हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस जगह का मौसम कैसा रहता है वो भी असर डालता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होती है वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वहां का जो एरिया है वो थोड़ा ठंडा रहता है और जो इंडिया का क्लाइमेट है वो बदलता रहता है, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है कि कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कौन से एरिया में हो पाएगी, तो वो भी इस पर असर डालता है। तो ये भी एक फैक्टर हो गया जिसकी वजह से मार्केटिंग पर असर पड़ता है, मार्केटिंग इन्फ्लुएंस होती है, तो हमें इसके बारे में भी देखना पड़ता है, ओके। तो कुल मिलाकर ये था गाइज इस वीडियो में, आशा करता हूँ कि गाइज आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ओके। तो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।